हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके साथ हाजिर हूँ सफलतम लोगों की दूसरी आदत जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और वह आदत है प्लानिंग। यस दोस्तों, जो सफलतम लोग होते हैं वह अपने लाइफ को बेहतर तरीके से प्लान करते हैं, जिस वजह से वो हमेशा से अपने जीवन में आगे जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर पिकनिक में भी जाते हैं तो हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं वहां जाने के लिए। तो अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें कितना ध्यान देना होगा कि हमें किस तरह की प्लानिंग करनी होगी। यस दोस्तों, अगर हमें लाइफ में सफल बनना है तो हमें प्लानिंग करनी ही होगी। ऐसा कहा जाता है, इफ यू आर फेल टू प्लान देन यू आर प्लान टू फेल, यानी कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो इसके लिए आपने पक्का प्लानिंग कर लिया कि आप फेल होने वाले हैं। और इसीलिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट है तो वो अपने करियर की प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग जो है जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए प्लान करेंगे। तो अलग अलग एरिया में हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी प्लानिंग की बात आएगी तो हमें अपने गोल्स को पहले सेट करना होगा, क्योंकि जब हम अपने गोल्स बनाएंगे तो हम हमारे लाइफ में जहाँ जाना है उसके लिए प्लान कर वहाँ पहुँच पाएंगे। तो कौन से एरियाज़ है जिसमें हमें गोल्स बनाने हैं? वैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन मुख्य एरिया बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको गोल बनाना है और उस एरिया में ग्रोथ के लिए प्लान करना है, जिसमें सबसे पहला एरिया है आपका हेल्थ। यस दोस्तों, हेल्थ यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आपका सेहत अच्छा रहेगा तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई में अच्छा कर पाओगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रमोशन के लिए, सेहत के वजह से आप अच्छा प्रमोशन वहाँ पर ला पाओगे। उसी प्रकार अगर आप हाउसवाइफ है तो आप अपने घर को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो गोल सेट करते समय मुख्य एरिया जिसमें पहला मैंने बताया आपको, वह है आपकी हेल्थ। दूसरा एरिया जहां पर आपको ध्यान देना है प्लानिंग करते समय, अपने गोल को सेट करते समय, वह है आपके रिलेशनशिप। यस, रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे रिश्ते जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका असर हमारे जीवन के हर एरिया पर होता है। अगर आपके हेल्दी रिलेशंस रहेंगे घर पर तो वही आपको मदद करेंगे आपके ऑफिस में, आपके जॉब में, या आप जहाँ पर भी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो दूसरा एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है आपकी रिलेशनशिप। और तीसरा एरिया जहाँ पर आपको गोल सेट करने हैं और प्लान करना है वह है आपका बिजनेस। यस, आपका बिजनेस गोल आपको सेट करना है। अगर आप स्टूडेंट है या आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में गोल सेट करना है, उसके लिए आपको प्लान करना है। तो तीन एरिया जो मैंने आपको बताया, हेल्थ, रिलेशनशिप और बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ। अब यहाँ पर जो भी आप गोल सेट कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए और आपके पर्सनल या बिजनेस के लिए, वह गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। यस दोस्तों, यानी कि क्लियर, स्पेसिफिक, रिटन डाउन का मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट है और आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे मार्क्स लाने हैं इस साल आने वाले एग्जाम में, तो यह क्लियर नहीं है। बहुत सारा यानी क्लियर आपको होना चाहिए, 80%, 90%, और स्पेसिफिक होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। आपका गोल लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं यह चीज़ हम चाहते हैं। तो आपको गोल डिसाइड करना है, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और उसे लिखना भी है। फिर प्लानिंग में आपको और क्या करना है कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है हेल्थ में, रिलेशनशिप के एरिया में या फिर बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में, तो उन गोल्स को हासिल करने के लिए जो स्किल आपको लगने वाली है वह स्किल्स के बारे में भी आपको प्लान करना है कि आपको उस गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्किल, कौन कौन से कौशल आपको लगने वाले हैं। और जो स्किल
जो कौशल्य आपको लगने वाले हैं उस रिलेटेड आप कौन कौन से कोर्सेस करोगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ोगे, क्योंकि मात्र गोल लिखने से वह गोल अचीव नहीं होगे, मात्र प्लानिंग करने से वह आपके बातें आपके जीवन में नहीं होने वाली। इसलिए हमें जो स्किल लगने वाली है उसके बारे में भी हमें प्लान करना है, और सबसे ज़्यादा हमें उन कौशल को, उन स्किल को या उस नॉलेज को डेवलप करना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए आपका गोल बिजनेस के लिए आपने सेट किया कि 5 करोड़ का आपको टर्नओवर करना है, और उस 5 करोड़ के टर्नओवर के लिए मान के चलिए आपको 5 स्किल ऐसे लगने वाले हैं जिससे आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो उन 5 स्किल में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल कौन से है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आप उस गोल को हासिल कर पाए। उसी प्रकार अगर आप स्टूडेंट हैं और जो गोल आपने डिसाइड किया है तो वहाँ पर कौन सी स्किल्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके ऊपर पहले फोकस करें, उसके ऊपर अपने आप को पहले ज़्यादा ट्रेन करें, उस तरह की बुक्स, उस तरह के कोर्सेस आप ज़्यादा अटेंड करें। तो यह था हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो सफलतम लोगों में देखा गया है, वह है प्लानिंग। और प्लानिंग में लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपने गोल को डिसाइड किया, उसे लिखा और उसको लगने वाले अचीव करने के लिए जो कौशल स्किल है उसके बारे में भी प्लान किया। और लास्ट स्टेप जो आएगा वह आएगा कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, एक्शन स्टेप लेने हैं जिससे आप अपने गोल के नज़दीक जाए। तो अगर ये आपने किया जो इस वीडियो में आपको बताया गया है तो आप देखोगे कि आपके जो भी लक्ष्य है एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, या फिर आप अपने पर्सनल गोल को, फैमिली गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो जो बातें इस वीडियो में बताई गई उससे आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें जो बातें बताई गई 3 मुख्य एरिया, तो आपके लिए असाइनमेंट यह रहेगी कि आप भी अपने लाइफ में अपने पर्सनल गोल को, अपने हेल्थ के गोल को और अपने रिलेशनशिप गोल को या बिजनेस गोल को अपने लिए सेट करें, प्लान करें और उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस लेना आज से ही शुरू करें। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो आज से ही सफलतम लोग जो हैबिट्स फॉलो करते हैं उसे डेवलप कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और सीखे 15 हैबिट्स जिसे डेली फॉलो करने से आप भी सफल हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेकेंड हैबिट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे थर्ड हैबिट के साथ, जिसको बिना किए आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या है वो थर्ड हैबिट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।